रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है और धन का अभाव नहीं रहता है। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। जब तवा ठंडा हो जाए, तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे, हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज आती है, उससे निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं, तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं, तो यह बहुत ही खराब होता है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से
साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपये पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।